आज पानीपत में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। मीडिया पर केस दर्ज करने पर हुड्डा ने कहा कि ये सच को छिपाने का सरकार का प्रयास है, लेकिन सच छिप नहीं सकता। मीडिया मजबूत है, ऐसे में तुरंत मुकदमा वापस लेना चाहिए और मीडिया पर रोक नहीं लगनी चाहिए। पत्रकार का काम सच्चाई को दिखाना है और सच्चाई को किसी प्रकार से दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और पत्रकारिता स्वतंत्र होती है। वहीं सुशील गुप्ता के SYL के बयान पर पूर्व विधायक JP दलाल ने जवाब दिया। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के आने से कांग्रेस के पुनर्जीवित होने पर हुड्डा ने कहा, कांग्रेस पहले से ही मजबूत है। आपके राज्यसभा सांसद के SYL के बयान पर बोलते हुए हुड्डा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब तक क्यों नहीं दिलवाया पानी, पंजाब में अब उनकी सरकार है, उन्हें पानी लाने से किसने रोका है। निकाले जा रहे हैं वहाँ पर हिंसा हो रही है, पिछले सालों के मुकाबले कुछ इल्जाम थे, ऑर्डर जारी किया है कि यूपी में जो भी धार्मिक जुलूस निकाला जाएगा उसके लिए परमिशन लेना जरूरी है, क्या बाकी राज्यों में भी होना चाहिए? नहीं, ये बातें गलत है और इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अगर कहीं जातीय या धार्मिक दंगे हैं उनको सरकार की जिम्मेवारी है कि निपटाना चाहिए, ना कि उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। सर, सुशील गुप्ता ने बयान दिया कि 2024 में हम सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत से, किस वजह? सुशील गुप्ता की बात के ऊपर को विश्वास करेगा जिस व्यक्ति को यही नहीं पता, वो आप पार्टी का इंचार्ज है भाई। 2024 से पहले नहर ले आके दिखाए, अब तो उनकी सरकार है पंजाब में, वो आज अनाउंस करे कि हम 6 महीने में नहर खुदवा देंगे, मैं उसका स्वागत करूंगा। अगर सुशील गुप्ता ने नहर खुदवाने का ऐलान नहीं करवाया पंजाब के चीफ मिनिस्टर से, तो सुशील गुप्ता को यहाँ राजनीति करने का कोई हक नहीं है। यहाँ अनार्की मत पैदा करो, यहाँ लोगों में भ्रम पैदा मत करो। ये हर रोज ड्रामे की बाजी, सरकार आएगी हम नहर खुदवा देंगे, पहले आप ही खुदवा दो ना। पंजाब के आम आदमी के नेता भी यही बोल रहे हैं कि ये सुशील गुप्ता द्वारा बयान जो है गुप्ता भटकाने के लिए दिया जा रहा है पब्लिक को। अब बता दिया ना, ये तो ड्रामा है, ड्रामे की राजनीति भी आनी चाहिए। दिल्ली नहीं है ये, हरियाणा है ना ये पंजाब है। हरियाणा का किसान फसल के दाम मांगता है, बोनस की बात क्यों नहीं करता सुशील गुप्ता कि 1000 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दो पंजाब में, दिलवाओ ना किसान को, मर गया किसान, गेहूं का भाव घट रहा है, गेहूं की पैदावार घट गई है, दिलवाए पंजाब में किसान, यहाँ भी अनाउंस करें समर्थन करेगी ताकि वहाँ कोई बात हो, लोगों की बात उभर सके। और जो बताया, जैसे बताया गया कि बाद में कोई बात लीक हुई और एक पत्रकार ने किया तो उसके मान हानि का पर्चा दर्ज किया गया। ये सरकार का प्रयास है, इस कॉरपोरेशन का प्रयास है सच को छुपाने का, और ये सब सच छुप नहीं सकती। मीडिया मजबूत है और तुरंत उसका मुकदमा भी वापस लेना चाहिए, पर्चा भी वापस लेना चाहिए और मीडिया को सच्चाई बताने का रोक नहीं लगनी चाहिए। पूरा साहब, इनके अपने पार्षद जो है नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के राज में जो है इनके जो अफसर हैं वो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं और इनके इस्तीफा भी दे रहे हैं, और उसके बाद जो है पत्रकारों पर ये मामले दर्ज, क्योंकि पत्रकार वो कार्रवाई दिखा रहे हैं उनकी लाइव। जी वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कोई पत्रकार का कोई इसमें कोई दोष नहीं था, पत्रकार का काम है सच्चाई को मारा, सच्चाई को इस प्रकार से दबाया नहीं जा सकता, ना पत्रकार दबने वाले हैं। प्रजातंत्र में इस प्रकार से सच्चाई दबाना जो है वो प्रजातंत्र के हित में नहीं है, तो इसी वास्ते मैंने कहा ये तुरंत उसका मुकदमा वापस लेना चाहिए और आगे से इस किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, पत्रकारिता स्वतंत्र हो। सर, प्रदेश में 4 प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं अलग अलग जोन के हिसाब से, कितना मजबूत मानते हैं आप कांग्रेस के? काम बना दिया सुनने में आ रहा सर, सुनने का बताया हाइपोथेटिकल सवालों का जो है। सर, पीके सिंह के आने के बाद कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी? पीके जो पीके प्रशांत किशोर जो आए हैं राजनीतिक रणनीतिकार कांग्रेस के साथ आए हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिल चुके हैं, उसके बाद से कांग्रेस को कितनी मजबूती? कांग्रेस मजबूत है पहले। सर, संगठन कब तक बनने की उम्मीद नजर आ रही है? बार बार संगठन को पता है विस्तार करेंगे, लेकिन भाई भर्ती चल रही है, बताया था वो पिछली बार भी, एनरोलमेंट चल रही है, 15 तारीख का एनरोलमेंट खत्म हुई है, जल्दी मजबूत संगठन। कृष्णा पंडित जी हमारे साथ थी विधायक, वहाँ से वो उस पर जा रहा हूँ। सर, सुशील गुप्ता ने बयान दिया कि SYL का पानी हरियाणा को दिया जाएगा, अब तक क्यों नहीं दिया? हम नजर आए उनको SYL का पानी किसने रखा हुआ है, पंजाब से दिलवा दे सरकार है। दूसरी तरफ पंजाब के विधायकों ने बयान दिया कि सुशील गुप्ता तो ये राजनीति से मुद्दा भटकाने के लिए बयान दे रहे हैं, वो उनका मंदिर कुमार विश्वास के घर पर आज पंजाब पुलिस ने रेड किया भगवंत मान सीएम बनने के बाद,
उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल भी भगवंत मान को धोखा देंगे, तो उस पर क्या कहना सर? हमेशा पद आने के बाद राजनीतिक कुमार विश्वास है, दूसरी पार्टी के मामले में दूसरे व्यक्ति के मामले में दे रही है इस्तीफा, क्योंकि बार बार सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इस्तीफा दे रही है। पूछ लो उनसे पूछ लो।